सेवम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। 22 से दिग्गजों का शुरू होगा नामांकन। 25 अप्रैल तक उम्मीदवार दाखिल कर सकते हैं पर्चा। रांची में कल इंडी गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली, रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे नेता। भाजपा ने कहा ये रैली झारखंड देश सनातन और विकास विरोधी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे रांची। युवा फाउंडेशन के बच्चों के साथ की मस्ती, मनाया जन्मदिन। कहा आ गई बचपन की याद, यहां के बच्चों में खूब है प्रतिभा। और गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के समय में किया बदलाव। कक्षा 8 तक का संचालन 11:30 बजे और 9 से ऊपर की कक्षाएं 12 बजे तक संचालित करने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सिलसिले में सेवुम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण के लिए प्रत्याशी आगामी 25 अप्रैल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। कल रविवार की छुट्टी के बाद 22 अप्रैल से नामांकन कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। 22 अप्रैल को सेवुम लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी गीता कोड़ा, 23 अप्रैल को खूंटी क्षेत्र से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और 24 अप्रैल को लोहरदगा सीट से प्रत्याशी समीर उरांव तथा पलामू से बीडी राम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल और दूसरे अन्य उम्मीदवारों का नामांकन इसी बीच होगा। एनडीए गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली कल रांची में होगी। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें जन सैलाब उमड़ेगा। बताया जा रहा है इस रैली में गठबंधन दलों के सभी उम्मीदवार मंच पर दिखेंगे। संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि एनडीए गठबंधन में कांग्रेस कोटे के रांची सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर सीट और राजद कोटे के पलामू सीट के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। इस बीच रैली को सफल बनाने के लिए लगातार एनडीए गठबंधन के नेता जुटे हुए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सेवुम लोकसभा सीट के लिए आज एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले एक और प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जबकि खूंटी लोकसभा सीट के लिए एक प्रत्याशी ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए अभी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि रांची में यूथ वोटरों की संख्या 63,45,000 है। इस तरह से राज्य में 25% वोटर 18 से 29 आयु वर्ग के हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने वाला कैंडिडेट, मतलब आपका पहले बार वोटिंग दे रहा है, इसमें एक डेटा इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी ये कराया। इवन आपका 22 ईयर्स का बाद भी चूठा हुआ था उसी का, अभी पहले बार करवा रहा उसको। इसमें डेटा में हम लोग केवल एक ही इंक्लूड किया हुआ, 18, 19, 20, 21, 22 तक, वो पहले बार, वो 5 साल का पहले बार एक बार चुनाव में आ रहा है उनका है। वो 17.88 लाख वोटर है, वो पहले बार इसी बार वो चुनाव में जाएंगे। इसका साथ में पूर्व में भी वो एज होने के बाद भी आपने निबंधन नहीं किया, वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं, वो इंक्लूड अभी कैलकुलेट करना भी मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसका कराए नहीं। साथ में यूथ वोटर कितना है, यूथ मतलब हम लोग मानता हूँ 18, 19, 20, 29 का एज ग्रुप के अंतर्गत आपका यूथ का टोटल यूथ वोटर है, आपका 18, 19, 20, 29 दे लेंगे, आपका 63.45 लाख वोटर है, उनका उम्र है 29 और 29 का नीचे का। उलगुलान रैली पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस रैली में झारखंड विरोधी, देश सनातन और विकास विरोधियों का जमावड़ा होगा।
उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता सब जानती है, जन भावना का सम्मान नहीं करने, हर तरह से जनता को लूटने वालों का इस रैली में जमावड़ा हो रहा है। झारखंड पार्टी आप उन लोगों को कह सकते हैं, ये लोग झारखंड के विरोधी भी रहे हैं, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, ये लोग देश के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं। हमारे मन में और लगा कि थोड़ा और पूछा जाए कि वे कैसे ये जानते हैं व्यक्ति लोगों को इतना बढ़िया से। झारखंड पार्टी एनोस गुट ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से खूंटी नगर पंचायत की पूर्व पार्षद अर्पणा हंस को अपना उम्मीदवार बनाया है। झापा के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने बताया कि किसी बड़ी पार्टी ने यहां महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, ऐसे में उनकी पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ये यहां महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। यहां लोग एक उम्मीद से 5 साल के बाद यहां पर लोग अपना मतदान देते हैं, अपनी खुशी के लिए, खुशहाली के लिए। यहाँ की जो जन समस्या है कि जन समस्या दूर हो, यहाँ की जो लोगों का उम्मीद हो पूरा हो, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ठकने का काम किया है। इसलिए झारखंड पार्टी को विकल्प के रूप में सब कोई देख रहे हैं और सभी कोई समर्थन करने के लिए। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के संकल्प पत्र समिति के सदस्य अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस चुनाव में पार्टी की ओर से जारी संकल्प पत्र में जनता की बात को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो चुनावी मैनिफेस्टो में कहती है उसे पूरा भी करता है। हमारा जो संकल्प पत्र है यह रोड मैप के साथ है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच में हम उसे अपनी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का जो एक संकल्प है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रामगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनूठी पहल की गई है। यहां सभी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे पर मतदान की तिथि का संदेश दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में एक अनूठी पहल की जा रही है। यहां सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्चा के माध्यम से मतदाताओं तक मतदान तिथि का संदेश पहुंचाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि इसके साथ ही मोबाइल में लगाने के लिए स्टिकर भी तैयार किया गया है जिसमें मतदान तिथि अंकित है। जितने भी हॉस्पिटल हैं या जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं हमारे, वहां से जो भी ओपीडी की पर्ची है या स्लिप इशू होता है उसमें उस तिथि के बारे में या मतदान का संदेश उसमें हम लोग डलवा रहे हैं, उसमें उसकी मुहर लग रही है और जहां तक संभव हो रहा है सभी लोगों से शपथ दिलवाई जा रही है कि वो अपना मतदान अवश्य करें। हम लोगों ने एक छोटा सा स्टिकर भी बनाया हुआ है जो सभी के फोन में हम लोग लगा रहे हैं जो भी हमारे कार्यालय मिलने आ रहे हैं या हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मतदान तिथि को याद दिलाने के उद्देश्य से डॉक्टरों द्वारा रामगढ़ करेगा वोट 20 मई अंकित कर मरीजों को दिया जा रहा है। रामगढ़ सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचे धनंजय कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की इस पहल से मतदाताओं में जागरूकता आ रही है और एक अच्छा पहल भी है और लोगों में इसको लेकर के कौतूहल भी है कि पहले भी मतदान होते थे लेकिन इस प्रकार से कुछ नया नया चीज़ कुछ होता नहीं था। जनरल घिसा पीटा जो पहले चलता था, माइक से चौंगा से प्रचार होता था, लेकिन इस बार यूनिक तरीके से जैसे देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी स्टिकर लगाया जा रहा है, लोगों के मोबाइल में स्टिकर लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच भी ये ओपीडी पर्चा चर्चा का विषय बन रहा है। लोगों को लगता है कि इस तरह के प्रयासों से जागरूकता तो आती ही है, तिथि को लेकर भूलने की समस्या भी अब नहीं रहेगी। वो दूर दराज से लोग पहुंचते हैं अस्पताल में, उनको पर्ची मिला और जब अपने घर में अपने गांव में जाकर देख रहे तो कौतूहल का विषय बना हुआ। लोग वहाँ चर्चा करें कि भाई 20 तारीख को मतदान करना है और इससे मतदान का प्रतिशत सचमुच बढ़ेगा, लोग अवेयरनेस आ रहा है इसमें। पिछले चुनाव में जिले में करीब 71% मतदान हुआ था। इस बार जिला प्रशासन इस आंकड़े को और बढ़ाने के जुगत में लगा है और इसी को ध्यान में रखकर इस तरह की अनूठी पहल रामगढ़ में की जा रही है। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने आज मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया।
ये रथ लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगा। श्री लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा का 20 मई को जो चुनाव कर दी थी और 25 मई को 6 कैंडिडेट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का है, तो सभी जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। साथ ही 21 घंटे का भी 20 मई को चुनाव है। हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो अर्बन अभ्यर्थी के तौर पे है, जिसमें कि युवा या यूथ अभ्यर्थी भी, जिसमें कि युवा या शहर के मतदाता कम संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और इस बार का वोटिंग का समय 7 AM से लेकर 5 PM तक है, तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपना बहुमूल्य योगदान। जामताड़ा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कर्माटांड़ और नाला प्रखंड क्षेत्र में सखी मंडल की दीदियों ने सहयोग से मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता के साथ ही पोस्टर के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सखी मंडल की दीदियों ने ग्रामीणों के बीच जाकर युवा वोटरों को 1 जून को घरों से निकलकर वोट करने की अपील की। सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों ने मतदान केंद्र पहुंचकर लोगों को 13 मई को मतदान करने की अपील की। जिले के बड़की टांगर जलदेगा मतदान केंद्र पर आज 250 से अधिक हॉकी खिलाड़ी और स्वीप कोषांग के पदाधिकारी हर दस्तक पर अभियान के तहत पहुंचे। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस बूथ पर सबसे कम 40% मतदान हुआ था। हॉकी खिलाड़ियों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने इस बार 100% मतदान का शपथ लिया। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने आज मतदाता जागरूकता को लेकर रांची एंथम लॉन्च किया। महिला कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित करने वाले इस एंथम की लॉन्चिंग हुई। वोट करेगा रांची जमके, वोट करेगा रांची, वोट करेगा रांची जमके, सरकार द्वारा लाए गए नए आपराधिक न्याय कानूनों के अधिनियम को समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए कानून सफल होंगे यदि हम नागरिक के रूप में उन्हें अपनाते हैं। Setting the criminal process in motion to the conviction for the commission of the offence ensures that no person is charged and subsequently convicted for offences without the due process of law. The one thing which was the striking aspect of our triad of
criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society. भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आज झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। वे रांची में युवा फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। दरअसल सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में काम करता है और ये संस्था युवा फाउंडेशन को सहयोग करती है। सचिन ने युवा फाउंडेशन के बच्चों के साथ मस्ती की और अपना जन्मदिन केक भी काटा। इस दौरान तेंदुलकर ने कहा कि बच्चों को खेलते हुए देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने कहा कि यहां के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहां पे आके मुझे युवा फाउंडेशन का बहुत कुछ पता चला और बच्चों ने मेरा दिन खास किया है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो मैं कहता हूं कि इन्फेक्शस होती है और जिस तरह से मैंने उनको खेलते हुए देखा, मेहनत कर रहे थे, उसके साथ एंजॉय भी कर रहे थे, मुझे मेरा बचपन याद आया। राजधानी रांची में आज केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में संघ के कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान तीरंदाजी के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज रांची में बैठक हुई। इस दौरान आने वाले पेरिस ओलंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर रोडमैप तैयार किया गया। संघ के सचिव वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालयों के जरिए विद्यार्थियों में तीरंदाजी की प्रतिभा को उभारा जा रहा है। इन सबका भी कलेक्टर चैलेंज किया और पूरे साल लगातार कैसे भारतीय तीरंदाजों को हम सुविधाएं देते रहे, कैसे तीरंदाजी को बढ़ाते रहे, उसका एक पूरा चार्ट आज हमने तैयार किया। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। ये इन सबके लिए आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन। संघ के सचिव ने यह भी कहा कि ओलंपिक को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। झारखंड में पहली बार हुई इस बैठक में आने वाले दिनों में यहां तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की भी बात की गई। और आज जहां हम बिरसा मुंडा की धरती पर बैठे हैं, मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि झारखंड के 8 बच्चे जो प्रोबेबल्स हैं पेरिस ओलंपिक के लिए वो उसमें सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 5 आर्चरी के हैं, दीपिका, कमलिका बारी, अंकिता भगत, मेरल चौहान और भजन कौर। तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। अगर झारखंड में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, तो इससे खिलाड़ियों को और बढ़ावा मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राजधानी के रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में कल होने वाली रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने निरीक्षण किया। रैली में राहुल गांधी समेत देशभर से कई बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में रैली स्थल, एयरपोर्ट, होटल और सर्किट हाउस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी स्थानों की सुरक्षा के लिए 2000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही ट्रैफिक रूट निर्धारित किए गए हैं। गिरिडीह जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन और कुखरा और मधुबन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ के साथ दोनों थानों की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुखरा थाना इलाके के चतरों के घने जंगल में छापेमारी कर एक बंडल कोडक वायर जब्त किया। झारखंड उच्च न्यायालय में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दरअसल ईडी कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है। लातेहार जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड पर टेम्पो और ट्रैक्टर की टक्कर में टेम्पो पर सवार सीआरपीएफ के हवलदार राम भुवन सिंह यादव की मौत हो गई। मृतक राम भुवन सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले थे। वर्तमान में लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित सीआरपीएफ 214 बटालियन में कार्यरत थे। राम भुवन सिंह यादव छुट्टी लेकर घर जाने के लिए कैंप से निकले थे।
रामगढ़ पुलिस ने बिजली तार चोरी करने के दो आरोपियों को कुजू ओपी क्षेत्र में हाईवे पर गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का बिजली तार लदा एक ऑटो भी बरामद किया है। पुलिस ने टेम्पो पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया। धनबाद साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने कुख्यात बदमाश विक्रम दास को साइबर अपराध से जुड़े कई सामानों के साथ गोविंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विक्रम के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और 15,000 रूपये नकद बरामद किया है। साथ ही पुलिस इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। रांची की अपर न्यायुक्त एमसी झा की अदालत ने जमीन कारोबारी कमलभूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या मामले के मुख्य आरोपी राहुल कुजूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपित डब्लू कुजूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में दोनों पर आरोप है कि राहुल कुजूर और डब्लू कुजूर के इशारे पर अकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या हुई थी। रांची जिले के मांडा थाना क्षेत्र में दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिश्ते में मौसेरी बहन लगने वाली दो नाबालिगों के साथ तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया कि दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को मामला संज्ञान में आने के बाद शिकंजे में ले लिया गया है। इनमें से दो आरोपी नाबालिग हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में भोकड़ो पुल के पास तेज रफ्तार एक बाइक दुकान में घुस गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार सहित कुछ लोग घायल हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर सचिन की झलक पाने को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता नजर आई। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि भी थी। श्री तेंदुलकर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के कार्य से रांची आए हैं। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से रांची समेत राज्यभर में अगले दो दिनों तक गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर के बोकारो, धनबाद और संताल परगना प्रमंडल के जिलों में उष्ण लहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 23 अप्रैल को मौसम में बदलाव के साथ कुछ इलाकों में गरज और वज्रपात की भी संभावना है। राज्य में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। 22 अप्रैल से अगले आदेश तक यह समय सारणी लागू रहेगा। वर्ग केजी से 8 तक की कक्षाएं सवेरे 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी, जबकि 9 से ऊपर की कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि धूप में कोई भी प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। मध्याह्न भोजन का संचालन यथावत जारी रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.4 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44.5 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.6 और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते एक नजर। 20 अप्रैल वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को एक घोषणा के साथ भंग किया गया। वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 20 अप्रैल वर्ष 1972 में अपोलो 16 चांद पर उतरा। नासा का यह मिशन अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत 10वां मानवयुक्त मिशन था। इस यान को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। यह टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी। जैसे ही अपोलो 16 ने चांद की धरती को छुआ, चार्ल्स ड्यूक के मुंह से निकला संपर्क।
अपोलो 16 ने चंद्रमा के रास्ते में कई समस्याओं का सामना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पर लैंडिंग में 6 घंटे की देरी हुई, क्योंकि नासा के प्रबंधकों ने अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन को समाप्त करने और पृथ्वी पर लौटने को कहा। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए। इन एकत्र किए गए नमूनों में सबसे बड़ी चंद्रमा चट्टान पिक मूले भी शामिल थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में योग और व्यायाम के जरिए शरीर को थोड़ा समय देकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी पर आधारित हमारे साथ कार्यक्रम हेलो इंडिया के जरिए जानिए हृदय गति के बारे में। जाता है सावधानियों में अगर बात करूं मैं प्रीति जी, तो जिनको कहीं ना कहीं हृदय संबंधित विकार है तो वो इस अभ्यास को सरल वर्जन में करेंगे, सरल तरीके से करेंगे, और जिनको कहीं ना कहीं घुटनों से संबंधित विकार है या स्लिप डिस्क की परेशानी है वो इस अभ्यास को ना करें। बाकी जन कैसे कर सकते हैं देखिए, एक बार दाहिने हाथ को मोड़ेंगे, दोनों हाथ की पहले आदि मुद्रा धारण कर लीजिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए। अब दाहिना हाथ मोड़ के शरीर के बगल में ले आइए और जो हाथ आपने मोड़ा है वो पैर को मोड़ते हुए घुटने की सहायता से पीछे की ओर कर दीजिए, जिस प्रकार मानवी जी कर रही है। जो हाथ मुड़ेगा वही पैर मुड़ेगा जी, दाहिना पैर मोड़ दीजिए हाँ जी, और बायां हाथ सीधा कर दीजिए कंधे की सीध में, ये स्थिति आपकी है। अब एक्सहेल करते हुए दाहिने हाथ को सीधा करें और जम करके एड़ी को नितंब पे मार सकते हैं, ये सरल तरीके से करने का एक अभ्यास है। अब बाएं हाथ को सीधा करें और हाथ को वापस लाएं, ये है सरल अभ्यास। अब पूर्ण स्थिति क्या है देख लीजिए, पूर्ण स्थिति करके दिखा दीजिए, लगातार आपको निरंतर एक्सेलेशन करना है, एक्टिव एक्सेल और पैसिव इनहेल। अगर आप 2 मिनट तक इसको करने का दमखम रखते हैं मित्रों, तो 5 मील दौड़ने का स्टेमिना आपके अंदर बिल्ट होता है, परंतु शुरुआत 10 सेकंड से करते हुए धीरे धीरे 20 सेकंड, आधा मिनट और फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवुम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। 22 से दिग्गजों का शुरू होगा नामांकन। 25 अप्रैल तक उम्मीदवार दाखिल कर सकते हैं पर्चा। रांची में कल इंडी गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली, रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे नेता। भाजपा ने कहा ये रैली झारखंड देश सनातन और विकास विरोधी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे रांची, युवा फाउंडेशन के बच्चों के साथ की मस्ती, मनाया जन्मदिन, कहा आ गई बचपन की याद, यहां के बच्चों में खूब है प्रतिभा। और गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के समय में किया बदलाव। कक्षा 8 तक का संचालन 11:30 बजे और 9 से ऊपर की कक्षाएं 12 बजे तक संचालित करने का निर्देश।